अब दोस्तों, वैसे तो दिवाली पटाखे फोड़ने के लिए होती है, लेकिन हम जैसे मार्वल फैंस को अपनी दिवाली का पटाखा मिल गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के ट्रेलर के बारे में। और दिवाली के सारे अनार एक तरफ और ये ट्रेलर एक तरफ। अब वैसे तो इस ट्रेलर में काफी ऐसी चीजें थी जो हमें काफी सारे सवाल देकर जाती है और कुछ के जवाब भी देकर जाती है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन नहीं बल्कि उन्हीं सवालों का जवाब जानने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। वेल तो दोस्तों, ट्रेलर की शुरुआत होती है कुछ फनी सीन्स से। स्पेशली वो थैंक यू स्पाइडरमैन वाला सीन तो मुझे काफी पसंद आया। थैंक यू स्पाइडरमैन। लेकिन यह हमें हिंट देता है कि सभी स्पाइडरमैन को नहीं जानते और साथ ही साथ मूवी शुरुआत से ही एक सीरियस टोन में नहीं होगी, जब तक कि स्कॉट की बेटी केसी क्वांटम रियल्म में सिग्नल नहीं भेजती, जिसके बाद पूरा लैंग परिवार बिना किसी सूट के ही क्वांटम रियल्म में घुस जाते हैं। खैर, अभी तक हम लोगों ने एंटमैन, एंटमैन एंड द वॉस्प और थोड़ा बहुत एवेंजर्स एंड गेम में क्वांटम रियल्म को देखा, जिसके बाद फैंस का हमेशा से यही सवाल रहा है कि आखिर क्वांटम रियल्म को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जाता। और इस ट्रेलर के अगले कुछ शॉट्स बता देते हैं कि मार्वल वाले इस ब्यूटीफुल चीज को एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन के लिए बचा रहे थे। और सीरियसली, हमें क्वांटम रियल्म के जितने भी शॉट्स ट्रेलर में दिखते हैं वो सब इतने डिटेल्ड है कि पता चल रहा है कि शी हल्क का VFX का पैसा बचाकर उन्होंने कहां पर लगाया है। और फिर इसके बाद से इस पूरे सीक्वेंस की टोन पीछे मुड़कर नहीं देखती। हर एक सेकंड, हर एक डायलॉग के साथ ट्रेलर और ज्यादा डार्क होता चला जाता है और ऑडियंस को पता लगता रहता है कि स्टेक्स अब बहुत हाई हो चुके हैं। अब यार, स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी होप की माँ ये रिवील करती है कि उन्होंने जितने भी 30 साल क्वांटम रियल्म के अंदर बिताए हैं उसके बारे में उन्होंने बाहर सब कुछ बता दिया है सिवाय एक चीज को छोड़कर। और उसके तुरंत बाद जब हमें जोनाथन मेजर्स, जो कि इस मूवी में कैंग का रोल निभाने वाले हैं, उनकी आवाज सुनाई देती है, तो ये पता चल जाता है कि पॉसिबली दादी माँ को किस बात का डर है। अब मुझे तो लगा था कि ये लोग कैंग का लुक इस ट्रेलर में नहीं रिवील करेंगे, लेकिन उसे उसके कॉमिक एक्यूरेट पर्पल और ब्लू लुक में देखने के बाद ऐसे दिल में इतनी शांति मिली है कि लव एंड थंडर के सारे खून माफ हो गए। अब इसके बाद हमें अलग अलग शॉट्स देखने को मिलते हैं और मार्वल के ट्रेलर में ऐसा बहुत कम होता है जब सुपर हीरो की 1% भी ग्लोरी ना दिखाई जाए। हमने आज तक जितने भी सुपर हीरो मूवीज के ट्रेलर देखे हैं उसमें से 99% ट्रेलर्स ऐसे ही होते हैं जिसमें हमें विलन और हीरो दोनों की महानता दिखाई जाती है, लेकिन इस ट्रेलर में तो मुझे एक भी शॉट ऐसा नहीं फील हुआ जहां पर लग रहा हो कि स्कॉट किसी का भी मुकाबला कर पा रहा हो। कभी उसका नूडल बन रहा है तो कभी उसकी नाक से खून निकल रहा है, जो खुद इस बात को साबित कर देता है कि कैंग इतना खतरनाक है कि एंटमैन उसकी ताकत के सामने कहीं भी नहीं टिकता। अब ट्रेलर के फाइनल डायलॉग्स में कैंग कहता भी है कि मैं तुम्हें घर ले जा सकता हूँ और तुम्हें वक्त भी दिला सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तो। तो क्या कहते हो एंटमैन? और बस इसी सवाल के बाद टाइटल कार्ड आता है और ट्रेलर खत्म हो जाता है। अब ट्रेलर को देखकर पहला सवाल आता है कि आखिर इतना बेहतरीन शहर क्वांटम रियल्म में कहाँ था। तो ऐसी थियरी निकल कर आ रही है कि एंटमैन एंड द वॉस्प के फाइनल सीक्वेंस में जब सब क्वांटम रियल्म से बाहर निकल रहे थे तब हमें बहुत कम समय के लिए बैकग्राउंड में एक शहर देखने को मिला था और हो सकता है कि ये वही शहर हो। अब कॉमिक्स में भी कैंग के पास अपना एक शहर होता है जिसे क्रोनोपोलिस नाम दिया गया था और इस शहर में टाइम जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कि शहर के अंदर समय बीतता ही नहीं। आप यहां से जिस समय में चाहो उस समय में जा सकते हो और जैसे ये लोग कैंग को सेटअप कर रहे हैं ये थियरी कहीं ना कहीं सेंस भी बनाती है। अब इसके बाद एक डिटेल जो मुझे इस ट्रेलर को लेकर पर्सनली सबसे ज्यादा फैसिनेट कर रही है वो है कैंग के शहर लेट से क्रोनोपोलिस में दिखने वाली ये चूड़ियां। और अगर आप मार्वल की मूवीज को फॉलो करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको भी ये देखते ही शांग-ची की याद आ गई होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप शांग-ची की 10 रिंग्स को साइड बाय साइड इस ट्रेलर में दिखने वाली इन रिंग्स से कंपेयर करेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली सेम देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि कॉमिक बुक्स में शांग-ची की 10 रिंग्स चूड़ियां नहीं थी बल्कि वो एक्चुअल रिंग्स थे, जिस वजह से साफ साफ पता चलता है कि यहाँ पर ये लोग एक नया टेक लेने की कोशिश कर रहे हैं
और इसी को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि शांग-ची की 10 रिंग्स या तो यहीं से ओरिजिनेट हुई होगी या फिर कहीं ना कहीं गैंग से कनेक्टेड होगी। अब जैसा कि हमने शांग-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा था कि एक तरह से वो रिंग्स किसी तरह का सिग्नल ट्रांसमिट कर रही थी, जिसको देखने के बाद पता चला था कि ना तो ये सिग्नल इस यूनिवर्स का है और ना ही ये रिंग्स, जिस वजह से इसके काफी ज्यादा हाई चांसेस है कि ये रिंग्स कैंग के पास से ही निकली होंगी। अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल होगा कि शांग-ची के बाप के पास तो ये चुड़िया हजारों साल से भी पहले मौजूद थी, पर कैंग तो अभी अभी आया है। वेल तो गाइज, इसका जवाब भी काफी सिंपल है। हमने अभी अभी आपको बताया कि क्रोनोपोलिस किसी भी तरह की टाइम बाउंडेशन से परे है, जिस वजह से फर्क नहीं पड़ता कि आप हजार साल पहले के हो या 10,000 साल पहले के हो, ये जगह ऐसे ही एग्जिस्ट करती रही है और आगे भी करती रहेगी। अब रही बात सिग्नल की, तो अब इसे एक सीक्वेंस में ध्यान से सुनना। ऐसा मुमकिन हो सकता है कि ट्रेलर में दिखने वाली ये रिंग्स गैंग का पावर सोर्स हो या उसका वेपन हो, जो कि इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन हमेशा इंटरकनेक्टिविटी के साथ एक साथ रिएक्ट करती होंगी। इसीलिए जब कैसी ने अपनी सैटेलाइट टाइप की डिवाइस के साथ सिग्नल भेजा तो वो यूनिवर्स में हर जगह मौजूद हर रिंग्स के पास रिसीव किया गया, और चूंकि ये सब कुछ कहीं ना कहीं क्वांटम रियल्म की ऐसी जगह पर हो रहा था जो हमारे यूनिवर्स में नहीं आती, इसीलिए ब्रूस बैनर और सबकी रिसर्च के बाद भी रिजल्ट यही निकला कि सिग्नल का ओरिजिनेशन पॉइंट बियॉन्ड द वर्ल्ड पाया जा रहा है। हालांकि कुछ महीनों पहले होने वाले D23 इवेंट और सैन डिएगो कॉमिक कॉन में एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया का सिनॉप्सिस रिवील किया गया था, जिससे हमें यह बताया गया था कि कैंग स्कॉट से किसी तरह की चोरी करवाएगा, वो भी किसी ऐसी चीज की जिसकी उसे काफी ज्यादा जरूरत है, और स्कॉट भी मजबूरी में ऐसा करेगा क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कैंग उसकी बेटी कैसी को मार देगा। अब यार ये सब भी हमें केवल इसीलिए पता चल पाया क्योंकि ये सिनॉप्सिस बता दिया गया था, लेकिन अगर ये पब्लिकली रिवील नहीं किया जाता तब तो ये ट्रेलर हमसे सब कुछ छिपाता है और 1% भी हिंट नहीं देता कि आखिर चल क्या रहा है। अगर आप गौर से इस ट्रेलर पर ध्यान देंगे तो पूरे ट्रेलर में कहीं पर भी किसी तरह की हाइस्ट का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि कैंग को एक काम करवाना है। ऊपर से अभी भी ऐसी ढेर सारी चीजें बाकी है जिन पर बात की जा सकती है, जैसे कि जो कैंग हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा वही इस पूरे मल्टीवर्स सागा का मेन और खतरनाक कैंग है या फिर ये भी कोई एक वेरिएंट है। इसके अलावा हमने अभी कैसी के बारे में भी खुलकर बात नहीं की है, जो इस मूवी में आगे जाकर खुद भी एक सुपर हीरो बनने वाली है। ऊपर से मॉडोक जैसा कैरेक्टर भी तो एक्सप्लोर करना बाकी है, जो पॉसिबली इस मूवी का मेन विलेन होगा। खैर यार चिंता मत करना, एक एक करके इन सभी चीजों के बारे में मस्त बात करेंगे और यकीन मानो बहुत मजा आने वाला है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, और हाँ वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद।